Good morning. Today we will continue with that. Today we have to deal in acylation. Acylation, that is the called acylation. Hindi mein kehte hain isko toran. Ab ye toran kya hota? That is the rate of change in velocity. Rate of change in velocity is called acceleration. Rate of change in velocity. The rate of change in velocity, अगर मैं बात करूँ तो acceleration equals to क्या हो जाएगा बच्चे? Acceleration equals to rate of change in velocity upon time. तो अगर मैं इसको इसमें लिखूँ तो a equals to acceleration is a equals to rate of change in velocity, that is a v minus u upon t. क्रॉस कर दूं ए टी बराबर क्या हो गया v माइनस यू या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. वेयर यू हैव गॉट ए फॉर्मूला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वेयर a इज एक्सीलरेशन, u इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग वाला, v इज फाइनल वेलोसिटी, t इज टाइम. ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन वो होता है बच्चे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट नाउ यू बी लेवल अब देख सकते हैं एक्सीलरेशन, हिंदी में इसको कहते हैं त्वरण, दैट इज अ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. एक्सीलरेशन जो होता है इसका फॉर्मूला हो गया एक्सीलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, जो भी लिख सकते हैं a बराबर v माइनस यू अपॉन t या ए टी बराबर v माइनस यू या v बराबर u प्लस ए टी. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या कहते हैं इसको हम लोग? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, वेयर a इज एक्सीलरेशन, u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, t इज टाइम. ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है बच्चे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसमें जो है हम ये तो पढ़ लिए, अब इसमें दो तीन चीज़ें होती है. हम डिफरेंट ग्राफ्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे. इसके अलावा इसमें जो होता है तो एक्सीलरेशन भी दो तरह का होता है. इसमें होता है एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. अब जैसे ये बच्चे टाइम देखिए ध्यान से, यहाँ दिया हुआ है वेलोसिटी, यहाँ दिया हुआ है टाइम, और इस तरह से बिल्कुल सीधा लाइन बनाया हुआ है. तो देखिए टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कह सकते हैं, या वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कह सकते हैं. इसी में अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ भी वेलोसिटी है बच्चे, यहाँ टाइम दिया हुआ है, और ये ग्राफ टेढ़ा दे दिया आपको बना के, तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड एक्सीलरेटेड मोशन. ठीक है, तो ये आपने देखा वेलोसिटी टाइम दिया था तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म एंड दैट लाइक. इसी में ग्राफ में अगर हम जाएंगे तो अगर आपको ध्यान से देखना है ग्राफ में, ये सेम बना दिया बच्चे और यहाँ लिख दिया टाइम और यहाँ लिख दिया आपको डिस्टेंस. क्या लिख दिया बच्चे? डिस्टेंस. और ये सीधा लाइन बना दिया, क्या कहेंगे इसको हम लोग? दैट इज कॉल, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, जो पीछे मैंने आपको पहले क्लास में बात किया था. दैट इज कॉल यूनिफॉर्म स्पीड. डिस्टेंस और टाइम लाइन सीधी है. अगर इसी में डिस्टेंस टाइम ही दिया हुआ है, यहाँ फिर से डिस्टेंस है बच्चे और यहाँ फिर से टाइम दिया हुआ है और ये लाइन टेढ़ा दे दिया, तो ये क्या हो गया बच्चे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं इसको आप. तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ में आपने दो चेंज, वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है, आपको ध्यान देखना है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो दैट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन को अगर लाइन सीधी है,
अगर लाइन टेढ़ी है तो डैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एसिलेटेड, ठीक है। अगर डिस्टेंस टाइम और ये लाइन सीधा दिया हुआ है इस तरह से, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड। ये इस तरह से टेढ़ा दे दिया तो नॉन यूनिफॉर्म। कभी कभी आपको इस तरह से दिया रहेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ टाइम है और यहाँ वेलोसिटी है, और इस तरह से सीधा बना दिया, इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। पास मारी ना, वो ऑब्जेक्ट जो है जिस स्पीड में या जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी स्पीड से कंटिन्यूसली चल रहा है टाइम के साथ, नो एसिलेटेड मोशन। अब इसी में अगर कभी आपको दे दिया इस तरह से बना के ग्राफ बच्चे, इस तरह से यहाँ टाइम दे दिया, इसमें आपने ग्राफ में 5-10 मार्क देखा होगा, और यहाँ डिस्टेंस दे दिया। अब डिस्टेंस देखिए, उसके बाद ये पैरेलल लाइन दिया हुआ है, तो मतलब क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट इस टाइम में रुका हुआ है, एट रेस्ट, वो ऑब्जेक्ट जो है रुका हुआ है, ना कि चल रहा है। तो यू हैव टू टेक, आपको ध्यान देना है कि किसके किसके बीच का रिलेशन दिया है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में दिया है, स्पीड और टाइम के बीच में, या वेलोसिटी और टाइम के बीच में दिया है, ठीक है। अगर डिस्टेंस टाइम के बीच में दिया है और ये सीधा जा रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड, अगर डिस्टेंस टाइम का दिया है और पैरेलल टू टाइम जा रहा है तो एट रेस्ट, मतलब इस स्पीड पे डिस्टेंस पे जाके ऑब्जेक्ट इतने देर तक रुक गया है, रुका हुआ है। फिर आपने देखा यहाँ यूनिफॉर्म एसिलेटेड, यहाँ देखा आपने नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम में अगर सीधा लाइन बन रहा है तो मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट वहाँ उस स्पीड पे जाके सीधे स्पीड से मूव कर रही है, उसके स्पीड वेलोसिटी में कोई भी चेंजेज नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चे। तो ग्राफ जब भी बनाने के लिए आता है, कभी मोस्टली कभी कभी ग्राफ में बना के दे देगा आपको क्वेश्चंस कि यू हैव टू एक्सप्लेन दीज एंड यू विल एबल टू, आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। और इसके आधार पे जो है सो हम आगे और भी डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये ग्राफ आपको समझना पड़ेगा, ग्राफ को ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आता है बच्चे, जैसे कि कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने अभी ये बताया था, ए बराबर, जैसे एक सवाल ही दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन राहुल पैडल्स इज बाइसाइकिल 6 से इन 30 सेकेंड, तो वो भी बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, पेज नंबर 103 पे है, 103 पे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये सारे ग्राफ आप कॉपी कर लेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन है सारा, इसको प्लीज़ आप लोग कॉपी करके इसको याद भी रखेंगे, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब एक क्वेश्चन देखिए कैसे इसके न्यूमेरिकल्स, इसे फॉर्मूला मैंने बताया था V बराबर, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, फॉर्मूला को छोड़ देता हूँ, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 टू 60 इन 5 सेकेंड, तो यू बराबर दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, इसको आप पहले उसमें चेंज करोगे मीटर पर सेकेंड में, 80 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकेंड, दो जीरो से दो जीरो कट गया बच्चे, ठीक है, और 5 ये हो गया 18, ये हो गया 40, ये हो गया 9, बराबर हो गया 200/9 मीटर पर सेकेंड। वी इक्वल्स टू हो गया, दैट इज वी इज द फाइनल वेलोसिटी, मैंने लिखा भी है, दैट इज द 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है सवाल में, तो 60 × 10,000/3600, दो जीरो से दो जीरो कट गया, 10 × 6 = 36, 6 × 5 दैट इज द 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो आपका ए बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बच्चे, वी माइनस यू अपॉन टी, तो पहले वी माइनस यू क्या हो गया बच्चे, 50/3 − 200/9, एलसीएम हो गया 9, 150 − 200 डेट इज अ −50/9, ठीक है। तो ए बराबर हो गया बच्चे वी माइनस यू अपॉन टी, डेट इज़ द −50/9, और टाइम दिया हुआ है आपको
दैट इज द 5 सेकेंड, तो 5 हो गया, ये हो गया 10, दैट इज द माइनस 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट नाउ यू देख रहे हैं कि आप यहाँ ए जो निकला है वो माइनस में निकला है, तो क्या माइनस में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो माइनस में होगा, जब ब्रेक नहीं लगाते हैं, एक्सीलरेशन देंगे, एक्सीलेटर देते हैं तो प्लस में होता है, ठीक है। और ये आपका आंसर आ गया। एक और ध्यान रखिए, निगेटिव एक्सीलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। क्या कहते हैं इसको बच्चे हम लोग? रिटार्डेशन कहते हैं। निगेटिव एक्सीलरेशन का दूसरा नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। और राइट नाउ आप जो है इस पे बेस्ड जो है पेज नंबर 107 और 103 पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको बना सकते हैं, 107 और 103। होमवर्क हो गया पेज नंबर 103 एंड 107 फ्रॉम एनसीईआरटी। अब इससे बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ग्राफ आपको आना चाहिए, ग्राफ के जो भी रिलेशन के लिए मैंने बनाया था। थैंक यू।